फ्रेंड्स, तो आज हम मिनी समोसा बनाने जा रहे हैं मूंग दाल से। तो चलिए बनाते हैं, शाम के नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज चाहिए और कैसे बनाना है। तो ये मैदा है और ये मूंग दाल है। मैदा एक कटोरी मैंने लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने मूंग दाल लिया है। तो चलिए सबसे पहले मूंग दाल को हम लोग धुल के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। पानी डालेंगे इसमें हम लोग मूंग दाल में। अच्छे से धुल लेना है और सारा पानी निचोड़ लेना है। एक बार और हम लोग धुलेंगे, सारा पानी निचोड़ लेना, एकदम पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए, और अब हम लोग इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए, जब तक दाल हमारा फूल रहा है तब तक हम लोग आटा तैयार करते हैं। तो आटे में, मैदे में सबसे पहले हम लोग मंगरेला डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी नमक डालेंगे और सबको मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच मैंने घी लिया है, इसे भी हम लोग डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। इन सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अब ये इसमें घी और तेल से मोयन हो गया है और अब हम लोग इसमें गरम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं डालना, एकदम थोड़ा थोड़ा। और एकदम पूड़ी से भी कड़ा आटा गूंथना है। तो देखिए, आटा तैयार है। हम लोग इसे 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो हम लोग अब चलिए दाल में जो सब मसाला मिलाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस पे पैन चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने मसाला लिया है, एक खड़ा धनिया है, खड़ा जीरा है, खड़ा सौंफ है। तीनों चीज़ को हम लोग डाल देंगे पैन में और इसे रोस्ट करेंगे। ऑयल में ही रोस्ट करना है। बस अब पटपट आवाज़ आने लगा, अब हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। जो दाल मैंने 10 मिनट भिगो के रखा था इसे हम लोग डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे। एकदम गैस का फ्लेम लो रखिएगा, हाई पे नहीं। इसे थोड़ी देर तक भूनना है। तो दाल भी अब लगभग भून गया है। अब हम लोग इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे, बस 1 चम्मच डालना है और इसे भी थोड़ी देर भूनना है। और दाल ये भून के एकदम तैयार है। हम लोग एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें सारे को डाल लेंगे और एक दरदरा सा हम लोग पाउडर बना लेंगे, एकदम दरदरा। ये दरदरा पाउडर बन गया है और अब हम लोग इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारे हम लोग जो दाल का पाउडर बनाए हैं उसी में सब कुछ मिक्स करेंगे। तो ये हींग है, ये अमचूर पाउडर है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो 2-4 बूंद नींबू का रस रख लीजिए। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। और ये नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार। और ये काला नमक है और ये शुगर पाउडर है। ये सारे चीज़ को हम लोग दाल में मिक्स करेंगे। और ये काजू है, 6-7 काजू मैंने लिया था, उसे भी कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में। और ये किशमिश है, ये भी 6-7 किशमिश है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब हम लोग सारे मसाले और ड्राई फ्रूट्स को इस दाल वाले जो मैंने बनाया है मिक्सर, इसमें मिक्स करेंगे। तो हम लोग आटे का एक लोई लेंगे और इसे बेलेंगे। कुछ इस तरह से बेल लेंगे हम लोग। और अब हम लोग जैसे समोसा बनाते हैं बस उसी तरह करना है। बीच से हम लोग 2 टुकड़े में काट लेंगे और 1 पीस उठाएंगे, इसके किनारे पे पानी लगाएंगे, कुछ इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे।
दबा दीजिएगा, नहीं तो खुल जाएगा तो दिक्कत होगा। फिर ऐसे करके इसमें जो मसाला मैंने तैयार किया है मूंग दाल का, इसे भर लेना है। एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे दबा दीजिएगा कि सारे मसाले अंदर चले जाएं अच्छे से। और फिर किनारे पे हम लोग पानी लगाएंगे और उसे चिपका देंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से फ्लावर के स्टाइल में बना देंगे। देखिए बस बन गया। और इसी तरह सारे मिनी समोसा हम लोग बना लेंगे। और देखिए सारे मिनी समोसा तैयार है और तेल भी गर्म है। अब हम लोग इसे तलेंगे। और हाँ, गैस का फ्लेम 2 मिनट के लिए हाई पे रखिएगा, उसके बाद एकदम लो कर दीजिएगा, नहीं तो बाहर से पक जाएगा और अंदर में कच्चा ही रहेगा। और अब हम लोग इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और देखिए कितने अच्छे बने हैं मिनी समोसा। और इसे आप कंटेनर में बंद करके 15 दिन तक आप यूज कर सकती हैं। और शाम में चाय के साथ लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए अंदर से भी बहुत क्रिस्पी हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली बार मैं क्या बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।